नमस्कार जन प्रभात सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प। गालवान घाटी में भारत के एक अफसर और दो जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में चीन के भी 5 जवान ढेर और 11 घायल। चीन ने भारत पर सीमा पार करने का लगाया आरोप। गलवान घाटी में सैनिकों के पीछे हटने के दौरान हुई झड़प। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक जारी। अपने जवानों की मौत के बाद चीनी विदेश मंत्रालय का बयान। का एक तरफा कार्रवाई ना करे भारत, नहीं तो बढ़ेगी मुश्किलें। सीमा विवाद के बाद भारत ने सीमा पर बढ़ाई सैनिकों की संख्या। गलवान घाटी में हुई झड़पों में दोनों पक्षों को पहुंचा नुकसान। 1975 के बाद पहली बार चीन की सेना के साथ हुई हिंसक झड़प। 45 साल बाद चीन की सीमा पर शहीद हुए भारतीय सैनिक। एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद एक्शन में आई मोदी सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई तीनों सेनाओं की बैठक। बैठक में सीडीएस रावत और विदेश मंत्री जयशंकर भी रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को दी लद्दाख झड़प की जानकारी। लद्दाख बॉर्डर पर टेंशन के बीच भारत चीन में आमना सामना। 22 जून को भारत रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की होगी बैठक। वर्चुअल मीटिंग में तालिबान कोरोना समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आपसी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने के पक्ष में है रूस। भारतीय सेना और चीनी आर्मी के बीच संघर्ष के बाद बड़ी सरगर्मियां। सेना प्रमुख नरवणे का पठानकोट मिलिट्री स्टेशन का दौरा रद्द। चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय वायुसेना को मिली मजबूती। ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती के लिए मिला कॉम्बैट क्लियरेंस। ये मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हो रही है बातचीत। आज पंजाब चंडीगढ़ समेत पहाड़ी राज्यों के साथ की बैठक। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के दौरान बोले प्रधानमंत्री मोदी। का बिना मास्क बाहर निकलने की कल्पना भी करना ठीक नहीं। पेट्रोल कीमतों में वृद्धि पर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। का पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने का फैसला असंवेदनशील। सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 23 जून को बुलाई बैठक। सीमा विवाद समेत देश की मौजूदा स्थिति पर होगी चर्चा। निगेटिव आई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट। बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में हुए थे भर्ती। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने किया दावा। का लापरवाही हुई तो भारत में भयावह हो सकते हैं हालात। भारत में वैश्विक महामारी कोरोना के अब तक 135 दिन हुए पूरे। वैज्ञानिकों ने कोरोना को बताया अज्ञात विश्वासघाती शत्रु। रेलवे से दिल्ली सरकार को मिले 500 आइसोलेशन कोच। कोरोना महामारी के बीच हुआ 800 बेड का इंतजाम। कोरोना संकट के बीच आंध्र प्रदेश में विधानसभा सत्र आज से शुरू। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन से पढ़ा अभिभाषण। आंध्र प्रदेश में 3 दिवसीय सत्र में जगन सरकार ने पेश किया बजट। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सदन में बैठे विधायक और एमएलसी। पशुपालन घोटाले के बहाने प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर बोला हमला। का उत्तर प्रदेश सचिवालय बन चुका है भ्रष्टाचार का अड्डा। प्रियंका ने आईपीएस सत्यार्थ के तबादले पर योगी सरकार को दी सलाह। का यूपी शिक्षक घोटाले की जांच को न होने दें प्रभावित। सुप्रीम कोर्ट ने बीमा को लेकर केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। का मानसिक रोगियों को बीमा न मिलने पर जवाब दे सरकार। भारत नेपाल बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच शुरू हुई साझा पेट्रोलिंग। यूपी के बहराइच बॉर्डर पर सुरक्षा बलों के बीच हुई वार्ता। नेपाल सीमा विवाद के बीच भारत सरकार की सांस्कृतिक कूटनीति। विश्व प्रसिद्ध पशुपतनाथ मंदिर को देगा 2.33 करोड़ रुपए। सुरक्षा बलों ने लिया सरपंच अजय पंडिता की हत्या का बदला। घटना को अंजाम देने वाला हिजबुल आतंकी उमर को किया ढेर। पाकिस्तान के भारतीय अधिकारियों पर दर्ज फर्जी केसों की खुली पोल। हिट एंड रन केस की पुलिस रिपोर्ट में नहीं है घायल का नाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सौंपे 100 वेंटिलेटर। कोरोना से निपटने के लिए अभी 100 वेंटिलेटर और देगा अमेरिका। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन को देखने पहुंचे सीएम शिवराज। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर में है राज्यपाल। केजरीवाल सरकार ने मजदूरों के 3200 करोड़ के फंड को नाई दर्जी और ड्राइवरों में बांटा। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस। यूपी सीएम हेल्पलाइन की बीपीओ कंपनी में कोरोना की हुई एंट्री। 82 से अधिक कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। राहुल गांधी ने गुजरात के बहाने केंद्र सरकार पर बोला हमला। का कोरोना संकट ने गुजरात मॉडल को कर दिया है बेनकाब। दिल्ली पुलिस में एसीपी सुरेंद्रजीत कौर और उनके पति को हुआ कोरोना। इलाज के दौरान पति चरणजीत सिंह की मौत। 20 दिन से थे भर्ती। दिल्ली के अस्पताल में ड्यूटी के दौरान महिला डॉक्टर को हुआ कोरोना। घर में होम क्वारंटाइन डॉक्टर के दरवाजे को पुलिस ने रस्सी से बांधा। सोनाली फोगाट के थप्पड़ कांड पर विनयन खाप पंचायत का फैसला। का 21 जून तक गिरफ्तारी नहीं होने पर करेगी बड़ा आंदोलन। शिक्षिका नामका शुक्ला घोटाले का मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र गिरफ्तार। पुलिस ने लाइसेंसी रिवॉल्वर सहित कई दस्तावेज किए बरामद। राजस्थान बीजेपी के विधायक जयपुर के क्राउन होटल में हुए शिफ्ट। अध्यक्ष सतीश पुनिया बोले राज्यसभा चुनाव पर होगी कार्यशाला। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू को हाईकोर्ट से मिली जमानत।
श्रमिकों की 1000 बसों के विवाद में हुई थी गिरफ्तारी। यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट में लगाई अर्जी, अदालत ने शिक्षा मित्रों को बेटिस देने के लिए सरकार से मांगा जवाब। आरोग्य ऐप के बाद अब भारत सरकार ने लॉन्च किया आरोग्य पाथ, कहा कोविड के हेल्थ केयर सप्लाई चेन के लिए होगा मददगार। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में काढ़े का शुरू किया वितरण, सांसद प्रवेश वर्मा ने पश्चिमी दिल्ली में बांटे काढ़े के पैकेट। राहुल गांधी के जन्मदिन को लेकर कांग्रेस का बयान, कोरोना संकट के चलते 19 जून का बर्थडे कार्यक्रम किया रद्द। यूपी कांग्रेस ने मजदूरों को लेकर जारी किया न्याय नाम का पोस्टर, राहुल गांधी की फोटो के साथ श्रमिकों के लिए मांगे 7500 रुपए। प्रयागराज के SSP के ट्रांसफर पर यूपी सरकार ने दी सफाई, का सत्यार्थ अनिरुद्ध कोरोना संक्रमित, इसलिए किया प्रतीक्षारत। फर्जी कॉल करने वाले शख्स को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, इंडिया गेट पर बम फटने को लेकर की थी कॉल। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील की बड़ी बहन हमीदा की कोरोना से मौत, पिछले महीने भी डॉन की छोटी बहन फहमीदा से की गई थी जान। केंद्र से किसानों के लिए फंड की मांग करेगी झारखंड सरकार, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए PM मोदी से करेगी आग्रह। यूपी सरकार ने मनरेगा से रोजगार देने के मामले में बनाया रिकॉर्ड, महज 4 दिन में 15 लाख नए श्रमिकों को दिया काम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।